आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टोटल 3 टाइप्स के रेक्टिफायर्स हैं हमारे पास, तो हम तीनों टाइप्स के रेक्टिफायर्स को यहां पर लिखेंगे। पहला था हमारा हाफ वेव, दूसरा था फुल वेव। अब हमें फुल वेव में दो टाइप का मिला था, तो हम दोनों टाइप के रेक्टिफायर्स को यहां पर देखेंगे फुल वेव में कंपैरिजन में। पहला रखेंगे हम लोग सेंटर टैप और दूसरा हम लोग यहां पर रखेंगे सेंटर टैप के बाद दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर? अब हम लोगों को इन तीनों रेक्टिफायर्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग किसी चीज को कंपेयर जब करते हैं तो हम लोग कंपेयर करने के लिए हमारे पास उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर किया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहला पैरामीटर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब हम रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसमें कितना डायोड लगता है। तो पहला हम लोग देखते हैं डायोड्स, नंबर ऑफ डायोड्स। तो नंबर ऑफ डायोड्स हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 लगा था, सेंटर टैप में 2 लगा था और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 लगा था। क्लियर? तो नंबर ऑफ डायोड्स हो गया। अब नेक्स्ट जो दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे, अब नंबर ऑफ डायोड्स हमें पता चल चुका है, अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो मैं लिख रहा हूं वी नोट एवरेज। तो वी नोट एवरेज यहां पर क्या आया था, वीएम बाय पाई। यहां पर आया था सेंटर टैप हो ब्रिज हो दोनों में आया था 2 Vm/π, यहां भी आया था 2 Vm/π। क्लियर? तो यहां पर जब वी नोट एवरेज लिख चुके हैं तो हम लोग यहां पर करंट भी लिखेंगे, क्या होगा Im/π, यहां होगा 2 Im/π और ये करंट होगा 2 Im/π। तो हमारा करंट, एवरेज करंट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज हम लिख दिए। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं V0 RMS, यानी कि RMS आउटपुट वोल्टेज। तो RMS आउटपुट वोल्टेज यहां पर क्या मिला था, यहां पर हमें मिला था Vm/2 और ये मिला था एज इट इज जो एसी सप्लाई का वोल्टेज है RMS, Vm/√2। सिमिलरली अगर हम करंट की बात करें, RMS करंट, तो क्या होगा Im/2, ये होगा Im/√2 और ये होगा Vm/√2। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम एवरेज डीसी पावर लिखें, डीसी पावर अगर हम लिखें तो यहां पर क्या होगा Vm×Im/π2। यहां पर क्या था पावर, यहां पर देखिए उसे 4 टाइम्स अधिक पावर मिल रहा है, 2 Vm×2 Im, यानी 4 Vm×Im/π2। यहां पर हमें मिल रहा है, यहां पर भी सेम मिल रहा है 4 Vm×Im/π2। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिपल फैक्टर की। रिपल फैक्टर और इसके ठीक बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिपल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो रिपल फैक्टर अगर हम देखें तो यहां पर हमें रिपल फैक्टर मिला था 1.21, यहां पर मिला था 0.48 और यहां भी हमें रिपल फैक्टर मिला था 0.48, क्योंकि इन दोनों का वेवफॉर्म सेम आया था। नेक्स्ट हम लोग रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो रिपल फ्रीक्वेंसी अगर 50 Hz हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है तो यहां पर देखे थे टाइम पीरियड सप्लाई के टाइम पीरियड के बराबर रहा था हाफ वेव में, यानी कि हमें जो फ्रीक्वेंसी मिला था वो 50 Hz मिला था। हम लिख रहे डायरेक्ट FS और यहां पर क्या मिला था 2 FS, यानी 100 Hz। यहां भी फ्रीक्वेंसी मिला था 2 FS, यानी 100 Hz। तो ये रहा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का ये सारा चीज। तो रिपल फैक्टर और रिपल फ्रीक्वेंसी समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट है 7 में रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, ईटा रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ईटा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें मिला था 40.6% और इन दोनों में इसका डबल कर दीजिए तो मिला था 81.2% और ये भी मिला था 81.2%।
अब दो हमारा पैरामीटर बचा हुआ है, उन दोनों को डिस्कस करते हैं, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और इसके बाद अगला है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगा 28.6% था हाफ वे में, ब्रिज में आते हैं तो ब्रिज में था 81.2% और इसमें था 81.2 प्लस 57.3 डिवाइडेड बाय 2 यानी दोनों का एवरेज, यानी हमें मिला था अप्रोक्सीमेटली हमें मिला था 69.3% ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट पीक इनवर्स वोल्टेज, तो यहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या मिला था Vm, यहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैप में यही डिसएडवांटेज था कि 2Vm मिला था और यहां पर फिर Vm मिला था पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड। तो ये देख लीजिए आप एक बार, क्लियर पिक्चर आपके सामने है, जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स को मैं कंपेयर कर दिया हूं। अब आप लोगों पर है आप लोग इसको किस तरह से याद रखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने सारे कंपेरिजन आपको याद हैं बिना किसी सर्किट को देखे हुए तो आप डायोड के बारे में बहुत कुछ चीजें जानते हैं, क्लियर। तो ये रहा हमारा कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड रेक्टिफायर्स। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम रेक्टिफायर पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप सेमेस्टर एग्जाम में अपीयर होंगे तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी आसान रहेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि डायोड्स का फॉर्मूला काफी रेक्टिफायर्स का सिंपल है, फॉर्मूला इसका कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको बस आंसर करना है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम हाफ वेव रेक्टिफायर से शुरू करते हैं। आपको इस तरह से एक सर्किट दिया रहेगा, यहां पर एक डायोड लगा रहेगा और ये रेजिस्टेंस लगा रहेगा, क्लियर, ये एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहेगा। आपसे कहा जाएगा यहां से कि आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है, ये है आर एल इक्वल टू 10 किलो ओम, दिस आर एल इज इक्वल टू 10 किलो ओम। और आपको यहां पर देखिए दो तरह से नोटेशंस दिया रहेगा, एक तो आपको सीधे दिया रहेगा 230 वोल्ट 50 हर्ज, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है वी नोट एवरेज, आई नोट एवरेज, वी नोट आरएमएस, आई नोट आरएमएस, पीडीसी एवरेज, एवरेज पीडीसी, ये पांच चीज आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर यहां से सिर्फ और सिर्फ एक चीज को निकाल लें कि वीएम क्या है, सप्लाई का वीएम क्या है, ये क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर है, सप्लाई का वीएम क्या है, अगर वीएम पता चल गया तो आप सारा आंसर्स कर देंगे। अब हम लोग समझते हैं वीएम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, यही आपका पहला स्टेप है, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, लुक एट द सप्लाई, यही पहला स्टेट है, लुक एट द सप्लाई एंड राइट वीएम, यानी सप्लाई को आपको देखना है और सप्लाई को देखकर वीएम बताइए। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सप्लाई को देखने की बात कर रहे हो, सप्लाई तो ऐसा ही रहेगा, इसमें देखना क्या है। तो नहीं मेरे भाई, यहां पर आपको दो तीन तरह से वैल्यूज दिया रहेगा, आपको यहां पर एक तो ऐसे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, आपको हो सकता है सप्लाई में इस तरह से दिया रहे 230 साइन मान लो 314 टी दिया रहे, आपको कहीं लिखा रहेगा 230 रूट 2 साइन 314 टी, कुछ भी अलग अलग दिया रहेगा, कहीं पर दिया रहेगा 230 साइन 2 टी, इस तरह से कुछ भी दिया रहेगा सप्लाई, आपको कहेगा भाई वीएम लिखो। आप देखिए जब यहां पर सिंपली इस तरह से लिखा जाएगा, कहीं पर भी अल्टरनेटिंग, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कहीं भी आपको सिर्फ कोई कह रहा है कि 50 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज सप्लाई है, आपको सिर्फ बोले 50 वोल्ट मतलब समझ जाइए कि ये आपको आरएमएस वैल्यू बतला रहा है,
ये आपको आरएमएस वैल्यू बतला रहा है सप्लाई का, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। और 50 हर्ट्ज सप्लाई है, तो आप कहोगे सर इसको आरएमएस वैल्यू बतला रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको अगर हम सप्लाई को वीएस लिखें और साइन के फॉर्म में अगर लिखा जाए, आप क्या लिखोगे? यहाँ आरएमएस है तो आरएमएस वैल्यू है तो पीक वैल्यू क्या होता है? वीएम, वीएम इक्वल टू आरएमएस इंटू रूट टू, यानी आरएमएस वैल्यू में रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर पीक वैल्यू मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 230 रूट टू, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 325.2 वोल्ट। तो आपको कहेगा कोई इसका सर साइनसॉइडल फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? साइन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2πf, ओमेगा इज 2πf, तो ये क्या हो जाएगा? 2π × 50, 50 हर्ट्ज के लिए अगर करोगे 314 अप्रोक्सीमेटली आता है ओमेगा, तो आपको ये लिखोगे साइन 314t। इसको इस तरह से लिखा जाएगा सप्लाई को। अब कहोगे सर अगर हमें यहां पर इस तरह का सप्लाई दिया रहता तो हम क्या लिखते? वीएम। यहां देखो सप्लाई का मतलब ही अगर साइन के फॉर्म में लिखा जा रहा है इसका, तो यही आपका वीएम है, ये है आपका वीएम 230 वोल्ट। सर यहां पर वीएम क्या है? यहां पर वीएम है सर, यहां पर वीएम है 230 रूट टू। यहां कहोगे सर इसमें बताइए वीएम क्या है, क्योंकि यहां पर साइन में चेंज कर दिया गया 2t। मेरे भाई ये साइन में कुछ भी लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा वीएम यही रहेगा 230 वोल्ट। सर तो इसका क्या मतलब है 2t का? इसका मतलब है कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। यहां पर ओमेगा दिया हुआ है आपको 2, यानी आप लिखोगे 2πf = 2, तो यहां से क्या मिलेगा? f = 1πf = 1ππ। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहां से? वीएम, वीएम हमें क्या मिला? तो वीएम हमें मिल गया 230 रूट 2, दैट मीन 325.22। तो यहां से क्या मिला? vm = 230 रूट 2 या फिर 325.22 वोल्ट, ये मिला वीएम। तो जब हमें वीएम यहां पर मिल चुका है तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वी नॉट एवरेज, तो वी नॉट एवरेज का फॉर्मूला हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में वीएम डिवाइडेड बाय पाई होता है, तो यहां से लिखेंगे 325.22 डिवाइडेड बाय पाई। दूसरा सर आई नॉट एवरेज बताइए जल्दी से, आई नॉट एवरेज, तो आई नॉट एवरेज को क्या लिखा जाए? तो आई नॉट एवरेज को लिखेंगे आप आईएम बाय पाई, यू विल राइट आई नॉट एवरेज इक्वल टू आईएम बाय पाई। अब यहां पर होगा सर ये आईएम क्या है? अब देखिए आईएम यहां पर क्या होगा, अगर मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर 230√2 है तो मैक्सिमम करंट इसके थ्रू कितना फ्लो करेगा? ये आपका क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आईएम को अगर हम लिखें तो आईएम क्या होगा? आईएम विल बी इक्वल टू वीएम डिवाइडेड बाय आरएल, तो यहां से क्या होगा? वीएम 325.22 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या दिया हुआ? 10 ओम नहीं है, 10 किलो ओम है, तो यहां पर किलो ओम लिखिए, तो किलो ओम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 32.52, और किलो के कारण क्या होगा ऊपर? 10⁻³, यानी मिली एम्पियर होगा, यानी कि मिली एम्पियर होगा। तो हम आईएम अगर लिखें तो क्या होगा? आईएम 32.52 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय पाई, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? आई नोट एवरेज की वैल्यू मिल रही है, तो हमें यहां से मिला है वी नोट एवरेज 103.54 वोल्ट। जो वी नोट एवरेज मिला है ये मिला है 103.54 वोल्ट, और दूसरा जो आई नोट एवरेज मिला है वो मिला है हमें आई नोट एवरेज 10.354 मिली एम्पियर। क्लियर? तो वी नोट एवरेज और आई नोट एवरेज को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग वी नोट आरएमएस लिखें, वी नोट आरएमएस, तो वी नोट आरएमएस क्या होगा? वी नोट आरएमएस का फॉर्मूला आप लिखेंगे वीएम डिवाइडेड बाय 2, तो वीएम डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से क्या मिलेगा? 325.22 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहां से आप लिखेंगे 160
162.61 वोल्ट। तो सर आई नोट आरएमएस क्या होगा, तो वी नोट आरएमएस डिवाइडेड बाय या फिर आईएम बाय 2 लिखो या फिर वी नोट आरएमएस डिवाइडेड बाय आरएन लिखो। हम लिख रहे हैं यहां पर आईएम बाय 2, तो यहां से क्या होगा आईएम बाय 2, यानी आईएम हमें मिला था, यहां पर देखिए आईएम हमें क्या मिला था, आईएम मिला था 32.52 मिली एंपियर। तो यहां से आईएम बाय 2 अगर हम लिखें तो आईएम बाय 2 हमें क्या मिलेगा, आईएम बाय 2 हमें मिलेगा 16.261 मिली एंपियर, 16.261 मिली एंपियर। तो ये रहा आई नोट आरएमएस। तो आई नोट आरएमएस जब हम लिख चुके हैं, नेक्स्ट हमें एक और कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, वो कहेगा भाई पीक इनवर्स वोल्टेज बताइए सर जल्दी से, पी आई वी। तो पी आई वी अगर पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड लिखें तो पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वीएम, हाफ वेव रेक्टिफायर है वीएम, तो ये क्या होगा वीएम यानी कि 230√2, तो यानी कि यहां से वैल्यू मिलेगा 325.22 वोल्ट। नेक्स्ट आप कहोगे सर जल्दी से मुझे एक चीज और बतला दीजिए, क्या बतलाऊं मैं आपको, आप कहोगे सर मुझे यहां से एवरेज डीसी पावर बताइए, पीडीसी एवरेज। तो देखिए पीडीसी एवरेज हम क्या लिखें, पीडीसी एवरेज ये हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वीएम बाय पाई इंटू आईएम बाय पाई। तो यहां से देखिए वीएम बाय पाई अगर हम देखें तो वीएम बाय पाई में आया 103.54 इंटू आईएम बाय पाई की वैल्यू क्या है 10.354 मिली एम्पियर है ये, और ये है वोल्ट। तो यहां से क्या होगा इंटू 10 करेंगे यहां पर ये आएगा लगभग, मैं अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 1030 के अप्रोक्स आएगा, और वो यूनिट क्या होगा फिर वोल्ट इंटू मिली एम्पियर यानी मिली वाट यूनिट होगा, मिली वाट इसका यूनिट होगा। ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो एक फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग लेंगे, और फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट मींस फिर से वहां पर वोल्टेज और करंट, पावर और पीआईवी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रहा हूं यहां पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, यहां पर मैं ले रहा हूं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आपको देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है, यहां क्या करेगा आपको एक बॉक्स बना देगा, ये लिखेगा आरएल इक्वल टू 10 किलो ओम, क्लियर, ये दे देगा आपको फिर से 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सर ये फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेगा तो सिर्फ आप एक चीज नहीं बतला सकते हो रिपल फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी चीजें बतला सकते हो। ये आपको दे दिया प्लस माइनस वी नॉट, आपको ये दे रहा है फुल वेव, यहां लिखा हुआ रहेगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो जब यहां पर लिख दिया है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर तो हम समझ जाएंगे यहां भाई क्या बना हुआ है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बना है, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसने हमें रेक्टिफायर का सर्किट नहीं बनाया, वो डायरेक्टली लिख दिया कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। अब आप वी नोट एवरेज, आई नोट एवरेज, वी नोट आरएमएस और आई नोट आरएमएस ये सारी चीजें कैलकुलेट करें। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हम वीएम लिखेंगे, तो फिर से वीएम क्या होगा, ये क्या दिया हुआ है आरएमएस वोल्टेज, तो वीएम होगा 32.30√2, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 325.22 वोल्ट। हमें वीएम मिल चुका है, अब हम क्या लिखेंगे वी नोट एवरेज, तो यहां पर क्या होगा वी नोट एवरेज दिस विल बी इक्वल टू 2 वीएम डिवाइडेड बाय पाई, तो यहां से लिखोगे 2 × 325.22 डिवाइडेड बाय पाई, तो इट्स वैल्यू विल बी वी नोट एवरेज इट्स वैल्यू विल बी 207.08 वोल्ट, 207.08 वोल्ट। ये रहा वी नोट एवरेज। सर वी नोट एवरेज जब आपने बताया, नेक्स्ट बताइए वी नोट आरएमएस,
तो वी नॉट आरएमएस यहां पर क्या होगा, तो वी नॉट आरएमएस यहां पर होगा वीएम डिवाइडेड बाय रूट टू, वीएम डिवाइडेड बाय रूट टू, यदि वीएम क्या था 230 रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू करेंगे क्या होगा 230 वोल्ट होगा। क्लियर। थर्ड वन सर, जल्दी से आप आई नोट एवरेज बताइए क्योंकि वो भी आपको जानना है। 2 IM डिवाइडेड बाय पाई, यहां भी IM क्या होगा, IM को अगर आप लिखें ये IM क्या होगा VM डिवाइडेड बाय RL, तो 325.22 डिवाइडेड बाय 10K डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, तो यहां से मिलेगा 32.522 मिली एम्पियर। तो जब 2 IM बाय पाई करेंगे तो यहां देखिए क्या आएगा, सिर्फ जो हमें ये V नॉट एवरेज मिला था इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए वही आंसर आएगा 20.708 मिली एम्पियर। चौथा सर, आई नॉट आरएमएस बताइए, तो आई नॉट आरएमएस क्या होगा, आई नॉट आरएमएस विल बी इक्वल टू आईएम बाय रूट टू यानी वीएम बाय रूट टू, तो आई नॉट वी नॉट आरएमएस मिला था 230 वोल्ट, तो ये मिलेगा 23 मिली एम्पियर, 23 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज, पी आई वी, तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, पीक इनवर्स वोल्टेज हमें दैट विल बी इक्वल टू वीएम, क्योंकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है तो वीएम ही होगा, यहां पर ब्रिज लिखा हुआ है, अगर यहां पर सेंटर टैप लिखा रहता तो फिर 2 VM होता, तो यहां पर वीएम होगा, तो वीएम का मतलब 325.22 वोल्ट, आंसर विल बी 325.22 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज। क्लियर। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हम कैलकुलेट कर लिए, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अब आपको इसके लिए किसी कोई भी किताब रेफर करने की जरूरत अभी नहीं है। और मैं आप लोगों को उतनी ही चीजें बतला रहा हूं जितना कि आपको एग्जाम के लिए यूजफुल है, और चूंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को आप किसी दूसरे ब्रांच का सब्जेक्ट भी मत समझना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आया है, तो ये भी आपका ही सब्जेक्ट हो, लेकिन कंटेंट थोड़ा मैं कंटेंट जितना पढ़ना चाहिए सिर्फ मैं उतनी बातें ही आप लोगों को बतला रहा हूं, उसके अलावा बहुत सारी कहानियां इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आप लोगों को नहीं बतला रहा हूं, क्योंकि आपको इतने की ही जरूरत है, और इससे अधिक मैं बतलाऊं तो फिर आप लोग कहीं कहीं डाइवर्ट हो जाओगे आपको अगर अधिक कंटेंट दिया जाएगा तो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसी सप्लाई ऑफ 10 sin 5t, आपको देखिए लैंग्वेज भी दे सकता है, एन एसी सप्लाई ऑफ 10 sin 5t इज कनेक्टेड टू ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर दैट फीड्स ए रेजिस्टिव लोड ऑफ रेजिस्टेंस 5 kilo ohm, रेजिस्टेंस 5 kilo ohm, फाइंड यहां पर क्या क्या फाइंड करना है, वी नोट एवरेज, आई नोट एवरेज, वी नोट आरएमएस, आई नोट आरएमएस, नेक्स्ट है पीडीसी, पीएसी, ये सारी चीजें आपको फाइंड करना है। हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप कहोगे सर ये लैंग्वेज तो टफ लग रहा है, ये लैंग्वेज टफ नहीं है, आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको आप समझिए। आपको दिया हुआ है एन एसी सप्लाई, अच्छा सर सप्लाई एसी है
ऑफ 10 साइन 5t। तो आप डायरेक्ट यहां पर सॉल्यूशन की तरफ आइए, आप लिखोगे Vs इक्वल टू 10 साइन 5t। क्लियर? कह रहा है इज कनेक्टेड टू ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि आप समझ जाओ भाई हमारे पास एक सप्लाई था एसी, इसको किससे कनेक्ट किया गया, इसको कनेक्ट किया गया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से, ठीक है, दैट फीड्स ए रेजिस्टिव लोड ऑफ रेजिस्टेंस 5 kΩ। इसका मतलब समझो, अब क्या कह रहा है कि दैट फीड्स इट्स कनेक्टेड टू ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या कर रहा है कि ये फीड कर रहा है एक लोड को जिसका रेजिस्टेंस है 5 kΩ। तो फीड करने का मतलब क्या होता है, किसी को आप फीड कर रहे हैं, कुछ फीड कर रहे हैं मतलब आप उसे कुछ दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है जो लोड है ये लोड चल रहा है इस रेक्टिफायर के भरोसे। फीड करने का मतलब हुआ ये लोड इस रेक्टिफायर के भरोसे चल रहा है, फीड आप किसी को आहार दे रहे हैं तो आपके भरोसे चल रहा है, तो यहां पर भी क्या हुआ ये फीड कर रहा है इस लोड को, तो ये लोड 5 kΩ का कोई लोड था, ये अब इससे चल रहा है, यहां से प्लस माइनस वी नोट आएगा। क्लियर? तो यहां पर दे रखा है Vs इक्वल टू 10 साइन 5t। तो आपका पहला स्टेप क्या कहता है, Vm देखिए सप्लाई को आपने देखा 10 साइन 5t, तो यहां इसका मतलब क्या हुआ Vm साइन ओमेगा टी, तो यहां पर Vm की वैल्यू क्या दी गई है 10 वोल्ट। चलिए 10 वोल्ट आपने Vm लिखा, तो जल्दी से बताइए वी नोट एवरेज ये क्या होगा 2 Vm/π, दैट मींस 2 × 10/π, दैट मींस 20/π, एंड इट्स वैल्यू विल बी 20/π का मतलब 6.367 वोल्ट है। तीसरा नेक्स्ट आई नोट एवरेज क्या लिखोगे 2 Im/π। तो यहां पर Im क्या है, Vm 10 वोल्ट था, Im क्या होगा 10/5 kΩ, यानी 2 mA, किलो ओम के कारण क्या हो जाएगा ये मिली एम्पियर, 2 × 2 mA/π, ये क्या होगा 1.27 mA। चौथा आई नोट एवरेज हो गया, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वी नोट आरएमएस, तो ये क्या होगा Vm/√2, तो Vm की वैल्यू क्या है, Vm यहां पर 10 है √2, इसका वैल्यू क्या होगा 7.07 वोल्ट। फिफ्थ वन सर जल्दी से आई नोट आरएमएस भी बताइए, ये क्या होगा Im/√2, Im की वैल्यू क्या है 2 mA/√2, यानी क्या होगा √2 से कैंसिल आउट होगा √2 mA, देखिए 1.414 mA। नेक्स्ट और क्या आपको कैलकुलेट करना था, वी नोट ये सब हो गया, पीडीसी कैलकुलेट करना है, पीडीसी, तो पीडीसी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, पीडीसी जब हम लिखते हैं तो ये लिखेंगे आप यहां पर वी नोट एवरेज इंटू आई नोट एवरेज, वी नोट एवरेज इंटू आई नोट एवरेज, तो वी नोट इंटू आई नोट, वी नोट एवरेज क्या है, यहां से वी नोट एवरेज है 6.367 इंटू आई नोट एवरेज क्या है, आई नोट एवरेज है 1.27 mA, आई नोट एवरेज इज 1.27 mA है, तो यहां पर क्या होगा 6.367 इंटू 1.27 करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 8.086, और ये क्या होगा मिली वाट हो जाएगा, दिस विल बिकम मिली वाट। सातवें पर आइए पीएसी, पीएसी क्या होगा वी नोट आरएमएस इंटू आई नोट आरएमएस, तो यहां पर वी नोट आरएमएस क्या है, वी नोट आरएमएस है 10/√2 इंटू आई नोट आरएमएस क्या है √2 mA, तो ये है हमारा √2 mA, ये है वोल्ट, तो आपको यहां से क्या मिलेगा √2 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम हियर 10 mW। क्लियर? तो अब आप कह रहे होगे कि सर ये बताइए
कि ये जो आप बार बार किलो ओम किलो ओम लिखे, ये किलो ओम क्यों लिखे आप? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जितना लोड्स होता है वो किलो ओम में ही आपको रेजिस्टेंसेज मिलेगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जितने करंट फ्लो करते हैं वो करंट मिली एम्पियर में ही फ्लो करते हैं। फिर कहोगे सर आपने 230 वोल्ट लिखा था, तो देखो 230 वोल्ट का भी सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नहीं दिया जाता है डायरेक्ट, 230 वोल्ट को पहले स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर की मदद से, और उसके बाद उस सप्लाई को दिया जाता है जिससे कि 5 वोल्ट वीडीसी क्रिएट हो और 12 वोल्ट वीडीसी क्रिएट हो, इस तरह से सप्लाई दिया जाता है। इसलिए जो मैंने अभी जो क्वेश्चन को डिस्कस किया उसमें मैं सिर्फ 10 sin 5t लिया हूं, यानी कि 10 वोल्ट ही मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज है। क्लियर? तो और आप कहोगे सर ये सप्लाई वोल्टेज फिर आया कहां से होगा, हमारे पास तो 230 वोल्ट वाला सप्लाई रहता है, ये कहां से आ गया? तो भाई ट्रांसफार्मर जब आप लगाओगे तो ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, जिसके कारण वोल्टेज रिड्यूस होता है, फिर आपको इसी तरह का वोल्टेज मिलेगा। तो इसलिए ये रहा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन रेक्टिफायर्स। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेक्टिफायर का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिल्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो फिल्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 4 तरह के फिल्टर्स होते हैं, उसको मैं पढ़ाऊंगा, और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए फिल्टर्स का टॉपिक्स। वहां पर भी कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।